अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटीज समोसा। बहुत ही यमी रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें डिफरेंट चीजें चाहिए। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हम आइसिंग शुगर डालेंगे 2 कप मैदा में, और 1 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइसिंग शुगर मैंने पहले ही मैदे में मिक्स कर ली थी। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि आपकी मुट्ठी बन जाए। इसे आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और इसकी डो बना लेंगे हम। आप इसमें फाइन आटा भी ले सकते हैं। अच्छे से डो बना लेंगे इसकी। डो हमारी बन चुकी है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके साइड पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। डो के ऊपर ऑयल लगा दिया हमने। उस डो से हमने रोटियां बना ली थी सारी। इनको 4 पीसेस में हम डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ये आप सिंपल बेल के उसको हल्का सा तवे पर गर्म कर लें। फोर ट्रायंगल्स बना लेंगे हम एक रोटी की। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। एक लार्ज अनियन लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। ये फाइन चॉप्ड है। ये जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसमें हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। वन चॉप्ड कैप्सिकम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हम। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम मैदा ऐड करेंगे इसमें, और इन सब चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और इसको थिक होने तक पकाएंगे। थिक हो चुका है ये। इसमें अब हम श्रेडेड चिकन डाल देंगे बॉइल्ड, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। जो हमने 4 पीसेस किए थे रोटी के, उस पर हम एग वॉश लगाएंगे 1 पीस के ऊपर। स्टफिंग ऐड कर देंगे इसके ऊपर। सेकंड ट्रायंगल को हम इसके ऊपर रख देंगे। सेकंड के ऊपर फिर हम एग वॉश लगाएंगे। और इसके ऊपर फिर से स्टफिंग ऐड करेंगे, और 3rd ट्रायंगल इसके ऊपर रख देंगे। थर्ड ट्रायंगल के ऊपर फिर से हम एग वॉश लगाएंगे और स्टफिंग रखेंगे इसमें। और 4th ट्रायंगल इसके ऊपर रख के इनको क्लोज कर देंगे 4 लेयर्स को कांटे के साथ।
सारी साइड्स हम इसी तरह कांटे से क्लोज कर देंगे। हमारे सारे पैटीज समोसा रेडी हैं, इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है आपने इसको ऑयल में, दोनों साइड के साथ हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। वन साइड फ्राई हो चुकी है तो सेकेंड फ्राई करेंगे इसकी साइड। हमारे बहुत ही यमी चिकन पैटीज समोसा रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।